हेलो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन ईयर द क्वेश्चन सेज इन फ्रॉग फेनिस्ट्राओवेलिस फ्रॉग के अंदर फेनेस्ट्रा फेनेस्ट्राओवेलिस जो होता है वो क्या है द कम्युनिकेशन बिटवीन द फेरिंग्स एंड द टिमपेनिंग कैविटी एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द टिम्पेनिंग कैविटी विच इज़ कवर्ड बाय द टिमपेनिंग मेम्ब्रेन द एयर फिल्ड कैविटी ऑफ द मिडल ईयर द ओपनिंग इन द ऑडिटरी कैप्सूल विच सेपरेज द मिडल ईयर फ्रॉम द इंटरनल ईयर द की दी कंसैप्ट देखो यहाँ पे जो फेनेस्ट दे रखा है दैट इज अ पार्ट ऑफ ईयर है ना तो ईयर बेसिकली किसका है ये फ्रॉग का ईयर ऑफ फ्रॉग तो ईयर बेसिकली क्या है यहाँ पे सेंस हियरिंग ऑर्गन एंड इट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन ऑल्सो बैलेंसिंग ऑर्गन कैसे देखो इसमें एक तरह से दो यूनिट होती है एक तो सुनने के लिए जो होती है उसे बोलते हैं ऑडिटरी यूनिट जो तो काम करेगी सेंस करेगी सुनने का ठीक है ये क्या काम करेगी सुनने का काम करेगी सेंस ऑफ हियरिंग है इसमें सेंस ऑफ हियरिंग और दूसरा जो यूनिट होता है जो फ्रॉग है उसका इक्लिबीरियम मेंटेन करेगा जैसे हमारा भी जो जो बैलेंसिंग ऑर्गेन है वो भी ईयर ही होता है हमारा ईयर क्या करता है वो सुनता भी है और बैलेंस भी करता है बॉडी को इक्लीबिरियम मेंटेन करता है सेम फ्रॉग के साथ भी ऐसा ही है इसे बोला जाता है वेस्टिप्यर यूनिट जो यूनिट ये क्या करती है सेंस ऑफ इक् करती है इक्लीब्रियम करती है ना देखो जो फ्रॉक का ईयर होता है उसके तीन पार्ट होते हैं फर्स्ट इज इनर ईयर सेकेंड इज मिडिल ईयर एंड द थर्ड वन इज एक्सटर्नल ईयर ठीक है सबसे पहले एक्सटर्नल इनके क्या होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है जहां से इनका ईयर स्टार्ट होता है टिम्पेनिक उसके बाद जो आता है इनके मिडिल ईयर मिडिल ईयर में तीन पार्ट होते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद सबसे पहले आता है स्टेप ठीक है फिर इसके स्टेप के बाद आता है ओवल विंडो थर्ड जो आता है दैट इज ओपर गिलम आफ्टर द कुलम क्या आता है इसमें इनर ईयर ईयर इनर में सबसे पहले क्या आता है सेमी सेमिनल और उसके बाद आता है राउंड विंडो सो द सीक्वेंस इज पहले टेम्पे मेम्ब्रेन आएगा फर्स्ट ओवल विंडो ऊपर सेमी सेमिनर केनाल एंड राउंड विंडो ओके तो देखो टेम्पलिंग मेमरीन बेसिकली क्या करती है जब भी कोई साउंड आएगा तो इसको कैप्चर करेगी और ये वाइब्रेट होती है ये साउंड को पास करती है क्या करती है साउंड को पास करती है इनर ईयर के अंदर ठीक है तो टेम्पलिंग मेमरीन यहाँ पे क्या कर रहा है कैप्चर कर रहा है साउंड वेव्स को और उसके बाद क्या कर रहा है खुद वाइब्रेट हो रहा है और उनको ट्रांसफर कर दे रहा है जो यहाँ पे स्टेप दे रखा है ना ये क्या करता है हाई फ्रिक्वेंसी की रेट की जो साउंड वेव्स आती है ना उनको ये ट्रांसफर करता है और जो यहाँ पे ओवल विंडो दे रखा है दैट इज अ फेनिस्ट्रा ओवेलेस जिसकी हमारी बात हो रही है क्वेश्चन में फेनिस्ट्रा ओवेल को ही ओवल विंडो बोला जाता है ठीक है ओपर कुलम जो होता है ये लो फ्रिक्वेंसी की जो साउंड वेव्स होती है उनको ट्रांसफर करता है तो देखो हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स कब करनी होती है जब ब्रीडिंग का टाइम होता है इनका सेंस ऑफ ब्रीडिंग एक तरह से प्रे और प्रीडेटर का साउंड देना होता है ना कि प्रे है प्रीडेटर है तो उस हिसाब से इनको लो फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है तो ओपर क्यूलम काम करेगा हाई फ्रीक्वेंसी में स्टेप काम करेगा लो फ्रीक्वेंसी में ऊपर कुलम क्या करेगा स्टेप क्या करता है डायरेक्टली इनर ईयर में भेजता है डायरेक्टली सेमिनल वॉल में बेच देगा साउंड लिया टेम्पेनिक मेब्रेन ने उसके बाद स्टेप में आया और डायरेक्टली सेमोनर कैनाल में बेच देगा डायरेक्टली ठीक है और जो अपर कुलम है ना ये क्या करेगा साउंड में लेगा लेगाम्पेनिक मेम्रेन में आई ओपर कुलम ने लेना फिर जाके सेमिनोनर कैनाल में आया अब देखो कैनाल जो है इनर ईयर की वो क्या करती है ये सेंस ऑफ बैलेंसिंग करती है इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा इसके अंदर क्या होता है फ्लूड भरा होता है कौन सा फ्लूड भरा होता है इसके अंदर इसके अंदर होता है सेमी सेमिलोनर फ्लूड सेमिलर कैनल के, के अंदर सेमिलर फ्लूड होगा ये इक्लिब्रियम पोस्चर ग्रेविटी सब कुछ मेंटेन करेगा रोटेशनल मूवमेंट जैसे हमारा इक्लिब्रियम होता है ना वैसे ही इनका इक्लिब्रियम है ये सारा मेंटेन करेगा और इसमें ही साउंड रिसेप्टर होते हैं जो आगे पास ऑन होते हैं तो हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले तो फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन बिटवीन फेरिंग्स एंड टिम्पेनिक कैविटी देखो फेरिंग्स और टिम्पेनिक कैविटी के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको स्टेशन जो बोलते हैं तो जो यहां पे इन्होंने बोल रखा है फर्स्ट ऑप्शन में फेरिंग्स और टिम्पेनिक कैविटी कनेक्शन इज कॉल्ड यू ट्यूब बेसिकली क्या कर रहा है ये थ्रोट को और मिडल ईयर को कनेक्ट कर रहा है ठीक है तो इसका फेनेस्ट्रा ओवर से तो कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि तो वो तो ओवर विंडो हो गई ठीक है ये गलत तो हो गया सेकेंड इज एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द टिम्पेनिक कैविटी विच इज़ कवर्ड बाय टिम्पेनिक मेमबरीन ये तो ईयर डम को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये बात सही है टिम्पेनिक मेमबरीन जो है वो उसको कवर करके रखती है और यही जो है मैंने बताया था पहले टिम्पेनिक मेमबरीन क्या करती है कैप्चर करती है साउंड वाइज उसको पहल, फिर वाइब्रेट करेगी और फिर उसको टपासवन कर देगी किसके अंदर मिडिल ईयर के अंदर जहां पे पहले स्टेप आता है सबसे पहले हाई फ्रिक्वेंसी स्टेप फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी ग्लोम पर इसका फेनेस्ट्रा ओवेलिस से कोई रिलेशन नहीं है तो ये गलत हो गया थर्ड इज द एयर फील्ड कैविटी ऑफ द मिडल ईयर ये जो उन्होंने थर्ड ऑप्शन में पूछा है दैट इज अ टिम्पेनिक कैविटी एयर फील्ड कैविटी जो होती है दैट इज अ टिम्पेनिक कैविटी जिसकी अभी हमने बात करी थी जो टिम्पेनिक मेमरी से कवर्ड है ठीक है तो फेनिस्ट्रविलेस तो नहीं है ये भी ये भी गलत हो गया फोर्थ इज द ओपनिंग ऑडिटरी कैप्सूल द मिडिल ईयर फ्रॉम द इंटरनल ईयर ये बात सही है देखो मिडिल ईयर का पार्ट मैंने आपको क्या बताया था फोर्थ ऑप्शन में जो दे रखा है पहले स्टेप बताया था मैंने स्टेप किसका पार्ट हो गया मिडिल ईयर का उसके बाद ओवल विंडो विच इज ऑल्सो एज इसी को क्या बोला जाता है पैनेस्ट्रा ओवेलस ठीक है ऊपर क्यूलम आएगा फिर आएगा हमारा इनर ईयर जिसमें क्या आता सेमी न्यूनर के तो इसने किसको सेपरेट किया है स्टेप जो पार्ट है मिडिल ईयर का सेमी लूनर जो पार्ट है इनर ईयर का ठीक है इसने किसको सेपरेट कर दिया दोनों को सेपरेट कर दिया दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा स्टेप तो मिडल एयर का पार्ट है ओवल विंडो बीच में आ रहा है उसके बाद जाके हमारा सेमी के आ रहा है सो द करेक्ट ऑप्शन यू अंडरस्टूड वेरी वेल बेस्ट ऑफ लक